शुरू बिफोर एंड आफ्टर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप देख सकते हैं कुछ भी बैकग्राउंड में, कुछ स्क्रीन, कोई मैकबुक नहीं पड़ा मेरे पास। सो आज कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज मैं अपना यूट्यूब सेटअप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। वही सामान है लेकिन उसको थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा। एंड थोड़ा सा रूम मैंने स्टूडियो अपना बना रखा है तो इसको अपग्रेड करूंगा। तो करते हैं शुरू। चलिए सबसे पहले टेबल को लेते हैं लगा। टेबल को लगाने के बाद मैं करूँगा इसको आर्म माउंट को सेट। सो आप देख सकते हैं मैंने इसकी आर्म टेबल के साथ फिट कर ली है। फिट करने के बाद आप इसको किसी भी तरफ घुमा सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज इसी की, इस मॉनिटर की यही बेस्ट चीज़ मुझे लगी। एंड अभी मैं मॉनिटर को लगाऊँगा इसके साथ। सो LG का मेरे पास मॉनिटर है, आप देख सकते हैं 4K LG मॉनिटर है, USB टाइप सी आता है। तो ये 60 वॉट का चार्जर भी आप इसके साथ केबल लगा के अपना लैपटॉप जो कि आप चार्ज कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेट करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा जो कि आप बड़ी स्क्रीन के ऊपर, आप अपनी लैपटॉप की स्क्रीन 32 इंच में देख सकते हैं। इसके पीछे मैंने LED मल्टी कलर, जो कि कोई कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, इट्स वेरी चीप। एंड मैंने 2 मीटर की मल्टी कलर लिया है। इसके साथ मुझे रिमोट वगैरह मिल गए थे जो कि अब मैं रिमोट से इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज कर सकता हूं। तो इसको मैं अपने मॉनिटर के ऊपर लगाऊंगा, जो आपके देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो कि इसकी स्ट्रिप है उसके ऊपर भी जो कि टेप लगी होती है उसको लगा के आप अच्छे से अटैच कर सकते हैं इसको। कोई भी आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं पड़ेगा। लगाने के बाद मैं इसको माउंट कर देता हूँ इसके साथ। एंड आपको इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रियली इजी इंस्टॉलेशन। सो इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे कोई भी कंपनी का आप लैपटॉप स्टैंड ले सकते हैं। मैंने थोड़ा अच्छा ले रखा था जो कि आप कोई भी लैपटॉप इसके ऊपर रख के इसको स्क्रू टाइट कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपको दिख जाएगा लगने के बाद, जो कि बहुत ईजी रहता है, आपको स्पेस नहीं आती। तो टर्न ऑन करने के बाद इसको देखते हैं कैसा हमको नज़र आएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाइटिंग वगैरह बैकग्राउंड में लगा दी है, रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ लाइट वगैरह को। तो बिल्कुल ईजीली कंट्रोल हो रहा है एवरीथिंग। सो लुकिंग रियली गुड ऑलरेडी। एंड इसके बाद मेरे पास है ब्लैक कलर का वॉल माउंट। सो वॉल माउंट होता है जो इसके ऊपर आप कोई भी वॉल के साथ लगा के कोई भी फ्रेम रख सकते हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम हो गया या कुछ और भी, जो भी आपको पसंद है घर पे पड़ा हुआ है, तो जो कि लुक को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है। तो मेरे पास ये है तो मैं बिल्कुल मॉनिटर के ऊपर लगाऊंगा। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बैक साइड में एक डब्बा सा बना हुआ है, वो मुझे पसंद नहीं है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ जो अंदर आता है, तो मैंने इसके ऊपर ही बिल्कुल एग्जैक्टली लगाना है। लगाने के बाद आपको बताऊँगा इसके ऊपर क्या रखना है। तो पहले इसको स्क्रू टाइट कर लेते हैं, सारा कुछ सही हो गया तो बिल्कुल परफेक्ट अभी सेट हो गया जी। इसके ऊपर मैं रखूँगा एक बहुत ही अच्छी जो कि मेरे पास फ़ोटो फ्रेम है, मैंने लास्ट वीक बाय की थी, तो ये फ़ोटो मैं इसके ऊपर रखूँगा। तो इसके ऊपर रखने के साथ वो जो पीछे डब्बा सा बना हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, जो कि एक मुझे वीडियो बनाने के टाइम बहुत ही बुरा लगता था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर ही लगाते हैं, ऐसे करके मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो रखने के बाद आप देख सकते हैं अभी वो हाइड हो गया, तो फ़ोटो फ्रेम बहुत ही एक अच्छा आ रहा है, ब्लैक के साथ मैचिंग हो गया। इसके साथ मैंने छोटा सा फ्लावर रख दिया। एंड इसके बाद चलते हैं मैकबुक, जो कि मेरा फेवरेट मैकबुक है, 14 इंच, वेरी कम्फर्ट एंड वेरी पोर्टेबल टू टेक एनीवेयर। तो ये मैंने M1 Pro चिप के साथ लिया था, जो कि 32 GB यूनिफाइड मेमोरी थी एंड 1 TB SSD स्टोरेज थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। इसके लिए मैंने जो कि एक्सटर्नल जो कि पोर्टेबल भी दे रखी है 2 TB, सो ऑल माई वीडियोज़ गोज इनसाइड, तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ सारा कुछ सेव कर लेता हूँ। तो इसके बाद चलते हैं हम कीबोर्ड की तरफ। सो मैंने एप्पल का ही कीबोर्ड ले रखा है, जो कि मैजिक कीबोर्ड है एंड वेरी कम्फर्ट साइज है इसका भी, एंड कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आती अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एडिटिंग करता हूँ, फाइनल कट प्रो मैं यूज़ करता हूँ इसकी एडिटिंग के लिए, तो ऑल थिंग्स गोइंग रियली वेल। तो इसके बाद है मेरे पास जो कि लॉजिटेक MX Master 3 जो कि माउस है, तो ये भी बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो सारी एडिटिंग मैंने कस्टमाइज़ की हुई है इसके स्विचेस के ऊपर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहीं से मैं एडिटिंग स्किल जो कि एडिटिंग शॉर्टकट लेता हूँ, वो भी सारे इसी माउस के साथ लेता हूँ, कि बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। एंड इसके बाद है मेरे पास जो कि सोनी के वायरलेस हेडफोन है, नॉइस कैंसलिंग, जो कि WH 910 है। इसका बैटरी बैकअप 30 आवर है
एंड आप टू डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है। मैं एक फ़ोन के साथ एक लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, तो दिस इज़ रियली बेस्ट हेडफोन्स फॉर मी। तो इसके बाद चलते हैं हम, फिलिप्स ह्यू प्ले बार है जो कि मैंने बाय की थी रिसेंटली, एंड इसकी बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि फिलिप ऐप के थ्रू जाके आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। तो कलर चेंज करके आप कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं सेपरेटली टू बार्स के अंदर। तो कलर चेंज करने के बाद ऐसी कोई लुक आएगी, तो इसको आप कैसे भी करके यूज़ कर सकते हैं वीडियो बनाने के टाइम, तो इट्स रियली वर्क। एंड इसके बाद चलते हैं, जो कि मेरे पास है सॉफ्ट बॉक्स लाइट जिसका नाम है एमरॉन 100X, जो बजट में लाइट रहती है, लेकिन इसका जो कि टेम्परेचर है आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस एंड कलर टेम्परेचर 2700 से लेकर 6500 तक जाता है। तो बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि ऐप के थ्रू आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं साइट्स लिंक ऐप डाउनलोड करनी है, तो आप इसको टर्न ऑन से लेकर टर्न ऑफ तक की ऐप से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे रूम एक मीडियम रूम है, उसके यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है जो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सही है। मैं रिफ्लेक्टर लगा लेता हूँ इसके साथ, जो कि लाइट पूरी साइड में ना जाए एंड पूरा फोकस मेरे वर्क के ऊपर हो, तो बहुत ही अच्छी लाइट लगी मुझे ये। एंड लास्ट में बात कर लेते हैं माइक्रोफोन के बारे में। मेरे पास है ब्लू येटी एक्स माइक्रोफोन एंड दिस इज़ माय फेवरेट माइक्रोफोन, बिकॉज इसकी इसके साथ मैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज़ करता, बिकॉज इसकी जब भी रिकॉर्ड करता हूँ तो खुद की आवाज़ ही बहुत अच्छी होती है इसकी, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एंड इसके साथ मुझे मिल जाएगा जो कि हेडफोन जैक लगाने के लिए भी इन्होंने ऑप्शन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे USB-C नहीं मिलेगी, ये है इसका नेगेटिव पॉइंट। एंड बाकी सब कुछ सही है। एंड ये थे गाइस मेरे पूरे जो कि स्टूडियो के गैजेट थे, मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट वीक। एंड ये गाइस आफ्टर जो कि पहले की लुक था आपने देखी, एंड ये वाली लुक जो अभी आप देख रहे हैं ये है, मैंने न्यू सेटअप किया हुआ है इसका यूट्यूब का। तो सभी चीज़ें पहले भी थी मेरे पास, LG का मोनिटर था, मैकबुक था, लेकिन मैंने सॉफ्ट लाइट नहीं बाय की है। एंड बैकग्राउंड लाइट देख सकते हैं, थोड़ा फोटो फ्रेम वगैरह को अपग्रेड किया है, एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझे क्या क्या आपको अच्छा लगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो मेरा टारगेट है एवरी वीकेंड मैं वीडियो कोई ना कोई डिफरेंट कंटेंट बनाऊँ एंड आपके सामने लेके आऊँ। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियो। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।